हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी एन में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं फॉलिक एसिड के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों गर्भवती महिलाएं इसे खाती हैं, क्यों रेकमेंड करते हैं डॉक्टर फॉलिक एसिड गर्भवती महिलाओं को। तो देखिए, फॉलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी जो पोषक तत्व होते हैं फॉलिक एसिड में। वैसे तो हम जो बहुत सारी वेजीज होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल और कुछ आयरन से भरपूर वेजीज होती हैं, वो हम खा के फॉलिक जो एसिड है वो हमारे शरीर में बढ़ा सकते हैं। लेकिन 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 इतना हम नहीं खा सकते जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके जो हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो डबल हो जाती है, क्योंकि आपके गर्भ में बच्चा बन रहा होता है। और फोलिक एसिड जो होता है बच्चे के स्नायु तंत्र, जो कमर के पीछे की हड्डी होती है, मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, उसके बनने में काफ़ी विकास करती हैं, बच्चे को हेल्प करती हैं, मदर को भी काफ़ी इम्प्रूव करती हैं, शरीर में कमजोरी वीकनेस आदि नहीं आती है अगर आप फोलिक एसिड का सेवन करती हैं। और आप तो आपके शरीर में जो है अच्छे से आप वर्क कर सकती हैं, आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होती। और अगर आप प्रेग्नेंट भी नहीं हैं, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, तो भी आप फोलिक एसिड 3 महीने पहले खाना शुरू कर सकती हैं। इससे भी आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपके बच्चे को किसी भी तरह का कुपोषण नहीं होगा, कुपोषण का बच्चा शिकार नहीं होगा, उसके अंग पूरे बनेंगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो फॉलिक एसिड जो है डॉक्टरों द्वारा सिर्फ 12 हफ्तों तक खाना रेकमेंड किया जाता है, लेकिन आप 9 मंथ तक कंप्लीट खा सकती हैं। यह बच्चे और माँ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके शरीर में जो है फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके हिसाब से आप सप्लीमेंट को ले सकती हैं। तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह करें फोलिक एसिड लेने से पहले। बाकी इसके कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है फोलिक एसिड एक गर्भवती महिला के लिए, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फोलिक एसिड लेना। और साथ ही साथ आप जो आयरन युक्त सब्जियाँ होती हैं वो भी खाकर खा सकती हैं, और उससे भी आपको बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।